मायावती अब मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। पार्टी ने बताया बीएसपी सुप्रीमो की ये चाहत। 2024 में देश के अंदर लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत विपक्षी पार्टी भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दल किस नेता को पीएम पद के रूप में मैदान में उतारने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ विपक्षी दल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं तो कुछ नीतीश कुमार को देख रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। तो आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल होने या पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश होने का अंतिम निर्णय बहन जी द्वारा ही लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास मायावती के कद का कोई बड़ा नेता नहीं है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मवीर चौधरी ने कहा कि अगर विपक्षी दल बसपा के पास सम्मानजनक तरीके से आते हैं और पार्टी प्रमुख को अपने एजेंडे से अवगत कराते हैं तो पार्टी को उनके साथ गठबंधन करने में कोई नुकसान नहीं होगा। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के पास मायावती के कद का कोई नेता नहीं है, वो एक बड़ी नेता हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर धर्मवीर चौधरी ने कहा कि मायावती अखिलेश यादव से बहुत बड़ी नेता हैं। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जबकि अखिलेश यादव सिर्फ 1 बार इस पद पर आसीन हुए हैं। मायावती बड़े दिलवाली हैं और दूसरे को गलतियों को माफ़ कर देती हैं। अगर अखिलेश यादव उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे।